अगर बस स्टेशन पे आपका स्वागत अभिनंदन है। काफ़ी यहाँ पर भीड़ यहाँ पे रहती है, पार्किंग के लिए अंदर भी व्यवस्था यहाँ पे है। और पावागढ़ जब भी आए ध्यान रखें अपना। तो वो आ गए, गाड़ी आ गई। तो मित्रों चलिए आपको खूबसूरत दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए आप नीचे उतरते हैं और खूबसूरत दृश्य का साथ। काफ़ी भीड़ रहती है पावागढ़ में यहाँ पे। गाड़ियों का यहाँ पर ताता लगा हुआ है, पूरा तो ऊपर तक हम गए। आप देखे दृश्य, पूरा जो क्रेन लगी हुई है वहाँ तक दृश्य आपने आपको पूरा दिखाया है। अब नीचे उतर रहे हैं। पूरे पहाड़ से तो पावागढ़ उतरते समय देखिए गाड़ियों का यहाँ पर ताता लगा हुआ है। ये गाड़ी है, वो है टैक्सी जो व्यक्तियों को नीचे लेके जाती है 7 किलोमीटर। ये देखिए 7 किलोमीटर नीचे ले जाती है, इनका नंबर से चलती है सारी गाड़ियाँ। तो आजीविका का कई प्रकार का यहाँ पे संसाधन है, सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। कुछ प्राइवेट है, अधिकतम टेकर गाड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और कुछ होटल्स भी है, कुछ शॉर्टकट रोड भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ से आप शॉर्टकट ले सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए आप मेन रास्ते से ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए एक रोड ये भी जा रहा है। આજે મારો સમાજ છે અહીંનો સામે ભાઈ તો सामने बहुत ही खूबसूरत दृश्य, चारों ओर ऊपर से पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रही है। तो ये तो अपना पावागढ़ पहाड़ वाला देश है सब। अच्छा तो बहुत ही गजब नज़ारा है यहाँ का, क्या बात है। बहुत ही गजब नज़ारा है, बहुत ही शानदार नज़ारा देखे। तो कुछ बता रहे थे कौन सा महल है यहाँ? खापरा जवेरी का महल है। अच्छा यहाँ महल है, महल तो नज़र ही नहीं आ रहा है। अच्छा इधर खांचे में ले लिया ना। तो देखें फोटोग्राफी करते हुए हमारे दोनों ही साडू भाई, देखें कैसे आहा। रुको रुको हम दोनों का आड़ा लो बिल्कुल। तो फोटोग्राफी करते हुए देखें आप हमारे भाई जगदीश जी को, वो अच्छे ट्रांसपोर्ट संचालक भी है और एक अच्छे फोटोग्राफर भी है और एक अच्छे पत्रकार भी है। क्या बात, पूरा आनंद लिया आज तक बिल्कुल।
तो यहाँ से व्यू कितना जबरदस्त दिख रहा है। हाँ हाँ आराम। तो देखें यहाँ कपल भी अपना फोटो खींच रहे हैं दोनों। ओहो गजब। तो एक समय के परेश भाई यहाँ के ऑडियो क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के राजा थे। सारे ऊपर देखे जितनी भी दुकानें थी, हर एक टेप, हर एक कैसेट। अभी हिंदू युवा वाहिनी पंचमहल जिला का अध्यक्ष का होता भी मिला है। अरे वाह वाह, धीरे धीरे ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। क्या बात, हमारी गाड़ी ना बना बीजे। तो परेश भाई को यहाँ पे हिंदू समाज के द्वारा देखो कपल किसे फोटो खींचते हुए दोनों। चलिए प्रभुजी। हाँ बिल्कुल चलते, चलिए। तो चलिए फिर एक अलग स्टोरी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नीचे का व्यू और देखना आप लोगों। तो साथियों उतरती ढलान का व्यू आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है। करीब 7 किलोमीटर की दूरी है नीचे जो चौराया है, पावागढ़ चौराहे से 7 किलोमीटर ऊपर। बहुत ही अच्छा है। अभी तो आपके जो फोटो मेरे पास है ना, शायद उसका तोड़ भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे फोटो है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए आज पावागढ़ की यात्रा बहुत सफलपूर्वक रही है। यहाँ पे पावागढ़ की माँ काली के चरणों के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। जंगलों से होते हुए देखिए अब नीचे 7 किलोमीटर की यात्रा हम नीचे उतरना। शॉर्टकट नहीं हो तो भी हमारे लोग, भारतीय लोग बड़े संस्कारवान हैं, शॉर्टकट बना लेते। इधर से वापस शॉर्टकट है, सीधी पहाड़ी।
बाद बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और अब आखिरी क्या है रास्ता खराब, ऊपर से लगाकर अंतिम तक बस स्टेशन से नीचे तक आपको पूरा दृश्य दिखाया। दर्शन करने जरूर आए माँ काली के, बहुत ही अच्छा शक्तिपीठ है, बहुत अच्छा फोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।